मैम। ठीक है। इसमें देखिए आज हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है बच्ची? देखो बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, वैसे आपने प्रीवियसली क्लास में किया हुआ है। चलो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। 1/3 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 1/3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो ब्लैक जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, उस पे हम सॉल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब भी ऐसे नंबर्स आ जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मतलब मल्टीप्लाई करना है। मीन्स टू से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 5/1 आ गया। अब देखो 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे, 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 × 5 अपॉन 3 × 1, 3 × 1 इंटू थ्री इंटू वन, ठीक है जी। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, आपका आ जाएगा 5 अपॉन 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट आपने फोर्थ क्लास में भी ये चीजें की हुई हैं, लेकिन अभी भी आप कर सकते हो दोबारा। देखो समझ आई कैसे करनी है। मनप्रीत समझ आया? हरमन और जशन अपनी वीडियो ऑन करो बेटा, हरमनप्रीत कौर और जशनप्रीत, जशनप्रीत सिंह वीडियो ऑन करो अपनी। ठीक है बच्चे, ऐसे करने हैं आपने सारे क्वेश्चन। जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, 9/20 है, 11 11 है। 11 के नीचे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो पहले हम वहां पे उस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय 1 लगा के। अभी आपने क्या करना है, 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 और 11 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 99 अपॉन 20 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 20। क्लियर है रजे? ये सारा पार्ट आपने खुद करना है, सॉल्व करके देखना हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4/5 ऑफ रुपीज 30। 4/5 ऑफ रुपीज 30, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून जी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, इसका मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। इसको आप प्रॉपरली देखो, बाकी आप खुद करोगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4/5 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे भी आपके पास ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। 4/5 ऑफ 30, मैथ्स में ऑफ का मतलब हम मल्टीप्लाई ही लेते हैं। 4/5 को आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो सेम आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 30। 30 अभी हमारे पास सिंगल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 30/1। क्या आ जाएगा, 30/1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। एक्सक्यूज मी
हाँ जी बोलिए बेटा। मैम हमने मैम ये सारे सब मैम किए हुए हैं मैम, ट्यूशन पे मैम सभी करवा दिए थे दीदी ने, मैम एक बार देख लो। दिखाओ बच्चे। 120 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा आपका 120 अपॉन 5। ठीक किए हैं बेटा हरमन आपने। नेक्स्ट पेज करना। ठीक है बच्चे, बस आप कर लेना नोटबुक, जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो कर ले, जिन्होंने की है तो वेल एंड गुड है। क्लियर है बच्चे? सेकंड क्वेश्चन सबका हो जाएगा अभी हम नेक्स्ट। यस ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम मैम। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, लुक एट द एक्सरसाइज 1.2। इन 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। सेम बेटा जैसे 1.1 में प्रोडक्ट किया हमने, वैसे ही हमने 1.2 में प्रोडक्ट करनी है। ठीक है जी, वहां पे क्या था हमारे पास, एक फ्रैक्शन में थी टर्म, दूसरी टर्म हमारे पास क्या आती थी, सिंगल टर्म आती थी। देखिए अब सेम क्या करेंगे हम, क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा, ब्लैक स्क्रीन पे देखो, 4/9 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक बच्चे, पहले आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 8 के साथ। जब आपने 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके मैम हाँ जी 12 मैम हमने निकाल लिया, 9 को 8 के साथ किया, कितना आया बच्चे, 9 8 72। वेरी गुड, हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस भी सबके बेटा? यस मैम, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मैम। यस, सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका फिर मैम, हमने ट्यूशन पे कर लिया था सारा, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे पूछ रही हूँ बेटा। कर लोगे सेकंड पार्ट भी मैम? यस, सेकंड पार्ट भी कर लोगे? सेकंड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/4 2/4 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है रजी, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा, 4/7। देन 4 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4/7 = 28। आफ्टर दैट जो हमारे पास थर्ड टर्म रहेगी उसको आप लिखोगे साथ ही साथ, 5/9 5/9 आ जाएगा। अगेन देखिए बच्चे मैम, ओके, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 28 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा आप डिनोमिनेटर में लिख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ आया बेटा? सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, सारे पार्ट्स हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के, सारे पार्ट हो जाएंगे बेटा। ओके, बाकी काम ना मैं आपको बुक वर्क है जो आपका सारा सॉल्व्ड वर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगी बेटा। ठीक है, वहां से कर लेना। ठीक है रजे मैम, ओके ओके। कोई मैम आप पिक करोगे? हाँ जी मैम, आप पिक सेंड करोगे आल समझ की? हाँ जी हाँ जी, मैं पिक से सेंड करूंगी।